हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अकाउंट्स गुरु। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको होप हमारा वीडियो समझ में आ रहा होगा। हम क्या पढ़ा रहे हैं, आप क्या समझ रहेंगे। चलिए आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, रूल्स फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन अंडर डबल एंटर सिस्टम। रूल्स फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन अंडर डबल एंट्री सिस्टम। तो फ्रेंड्स, टोटल तीन रूल है। नंबर वन, ट्रांजैक्शन बिजनेस ट्रांजैक्शन को क्लासिफाइड करने के लिए तीन अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, रियल अकाउंट और थर्ड होता है नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट्स। तो ये तीन होता है। तो हम ये तीन को देखते हैं, क्या है ये। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट क्या होता है कि जो भी अकाउंट्स होता है, जो डील करता है पर्सन से या इंस्टीट्यूशन से या इनकॉर्पोरेट से, जैसे हो गया मोहन अकाउंट, सोहन अकाउंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जैसे हो गया टूल्स अकाउंट्स, ये सब हो गया, ये सब पर्सनल अकाउंट हो गया। तो चलिए हम देखते हैं पर्सनल अकाउंट का डेफिनेशन क्या है। पर्सनल अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट्स किसे कहते हैं, हम उसे देखते हैं। अकाउंट्स डीलिंग विथ पर्सन, ऐसा जो भी अकाउंट्स, अकाउंट्स डीलिंग, जो डील करता है पर्सन से, विथ पर्सन एंड इंस्टीट्यूशन, वेदर इनकॉर्पोरेट और नॉट, आर कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। लाइक मोहन, सोहन एक्सेट्रा। ये सब तो हो गया पर्सनल अकाउंट। अब हम देखते हैं आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट क्या क्या होता है। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट, ये क्या क्या होता है। जैसे एच एम टी, एस बी आई एक्सेट्रा, ये हो गया हमारा पर्सनल अकाउंट। अब आते हैं हम रियल अकाउंट में। सेकेंड है रियल अकाउंट, रियल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स क्या होता है, ये फ्रेंड्स, रियल अकाउंट वो अकाउंट है जो वेरियस टाइप्स ऑफ एसेट्स और प्रॉपर्टी से डील करता है, या तो टेंजिबल गुड्स से डील करता है, उसको हम रियल अकाउंट बोलेंगे। अकाउंट्स विच डील्स विथ वेरियस
एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज आर नोन एज रियल अकाउंट्स। एग्जाम्पल हो गया रियल अकाउंट का, कैश, गुड्स, बिल्स रिसीवेबल एक्सेट्रा। अब आते हैं फ्रेंड्स हम अपना अगला टॉपिक पे, अगला इसका उसमें नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट फ्रेंड्स, अब हम नॉमिनल अकाउंट का बात करते हैं। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट वो होता है जो हमारा एक्सपेंस, लॉसेस, इनकम और गेन्स को जहां हम दिखाते हैं या जिसको हम डील करते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे अकाउंट्स डीलिंग विथ वेरियस एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड इनकम एंड गेन्स आर नॉमिनल अकाउंट। एग्जाम्पल है इसका सैलरी अकाउंट, कमीशन, रेंट, वेजेस, रेंट वेजेस एक्सेट्रा। फ्रेंड्स अब इसके बाद बहुत 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 वेरी 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम ले रहे हैं। इसको आप मान के चलिए ये अकाउंटिंग सिस्टम का रामबान टॉपिक है। ये टॉपिक है गाइस रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इन वेरियस अकाउंट्स, मतलब हम इसे बोलते हैं गोल्डन रूल्स, अकाउंटिंग का गोल्डन रूल्स, गोल्डन रूल्स। तो फ्रेंड्स ये गोल्डन रूल्स से हम जितना से जितना टफ अकाउंट्स हो, जितना से जितना टिपिकल क्वेश्चंस हो, सिर्फ यही एक गोल्डन रूल्स है जिसे फॉलो करके हम अपना सारा अकाउंटिंग सिस्टम, सारा अकाउंटिंग स्टेटमेंट बनाते हैं। तो अकाउंटिंग रूल जो है वो सिर्फ तीन अकाउंटिंग रूल है। तो पहला हम देखते हैं जो अकाउंटिंग रूल है, पहला अकाउंटिंग रूल क्या वो बोलता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, मतलब हमें इसमें करना है डेबिट रिसीवर को, क्रेडिट करना है गिवर को, मतलब जिससे हम ले रहे हैं उसको डेबिट करना है, जिसको हम जो भी दे रहे हैं उसको क्रेडिट करना है। जैसे इसमें एग्जाम्पल लेते हैं कि हम 1,000 पे किए हैं विनोद को, हम 1,000 पे किए हैं विनोद को, तो यहाँ पे देखते हैं रिसीवर कौन है। हम गुड्स लिए हैं विनोद से कैश में 1,000 का, तो इसका कैसे यहां पे इफेक्ट देखेंगे, रिसीवर कौन है, हम है, हमें क्या मिला है गुड्स, तो गुड्स अकाउंट डेबिट 1,000 से टू क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट द गिवर, हम क्या दिए, कैश दिए विनोद को, तो कैश अकाउंट कितना से 1,000 से। तो ये हमारा पहला गोल्डन रूल है, क्रेडिट द डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर।
हमारा सेकंड जो गोल्डन रूल है वो है डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये भी एक बहुत बड़ा, मतलब हमारा सेकंड गोल्डन रूल है। हम क्या डेबिट करेंगे जो हमारे पास आ रहा है, क्या क्रेडिट करेंगे जो हमारे पास से जा रहा है। हम सपोज एक मशीनरी खरीदते हैं 1 लाख रुपए का, एक मशीनरी परचेज करते हैं 1 लाख रुपीज का फॉर कैश, तो यहां पे क्या होगा? डेबिट व्हाट कम्स इन क्या आया, हम डेबिट कर देंगे मशीनरी को, मशीनरी अकाउंट को हम डेबिट कर दिए 1 लाख से। हमारे पास से क्या गया? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हमारे पास से क्या गया? कैश गया। कितना गया? 1 लाख। तो ये भी हो गया। हम इसमें एक चीज और देखते हैं, जैसे डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जैसे हमारे पास में गुड्स आया, हम कैश के जगह अगर हम विक्रम से ही लेते हैं, तो यहाँ पे हम विनोद से लेते हैं, तो विनोद का नाम लिख देते हैं, विनोद अकाउंट। ठीक है, तो हम अभी यहाँ पे थे, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमारे पास में क्या आया? हम मशीन्स खरीदे कैश में 1 लाख का, तो डेबिट व्हाट कम्स इन हमारे पास में क्या आया? मशीनरी आया। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हम क्रेडिट क्या किए? हमारे पास से जो गया क्या गया? कैश गया। हमारा तीसरा और आखिरी गोल्डन रूल जो है डेबिट ऑल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड इनकम्स एंड गेन्स। मतलब हम डेबिट करेंगे अपना सारा एक्सपेंसेस और लॉसेस को, और क्रेडिट करेंगे हमारा इनकम्स और गेन्स को। जैसे फ्रेंड्स एक यहाँ पे हम अपना एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हम सैलरी किसी भी एम्प्लॉय को देते हैं तो हम सैलरी अकाउंट डेबिट कर देंगे। क्या करेंगे? सैलरीज अकाउंट डेबिट जो भी अमाउंट हो, क्योंकि ये एक्सपेंस है। और सपोज कैश में दिए तो कैश को क्रेडिट कर देंगे। अब हमें मिलता है कमीशन रिसीव्ड होता है कैश में, मान लीजिए कमीशन रिसीव्ड होता है, ये हमारा हो गया सैलरी गिवन। सैलरी गिवन मतलब हमारे लिए ये क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, डेबिट कर दिए एक्सपेंस को हम अपना। अब हम यहां पे देखते हैं कमीशन रिसीव्ड को, कमीशन रिसीव्ड, तो ये हमारा इनकम हो गया कमीशन रिसीव्ड। कमीशन रिसीव्ड हमारा इनकम होता है फ्रेंड्स। तो हमें यहाँ क्या लिखा है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो हमारा ये कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड क्रेडिट हो जाएगा। कैश में मिला तो कैश अकाउंट डेबिट, कमीशन रिसीव्ड हुआ तो कमीशन अकाउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट जो भी अमाउंट मिला। तो यहाँ हम यहाँ पे तीन गोल्डन रूल देखें फ्रेंड्स। पहला गोल्डन रूल डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। दूसरा गोल्डन रूल डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तीसरा गोल्डन रूल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो फ्रेंड्स यहाँ हम अपना चैप्टर 1 क्लास 11 का और हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट हम आज खत्म करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ टू अकाउंटिंग आज हमारा चैप्टर यहाँ खत्म होता है फ्रेंड्स। होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। प्लीज
प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि हमारा जो भी वीडियोस आएगा वो आप तक पहले पहुंचेगा बेल आइकन से। फ्रेंड्स थैंक यू, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे, आगे और नया नया कॉन्सेप्ट इन डिटेल में लेके आते हैं आपके लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, सीखते रहो सिखाते रहो।